Yo, what's happening guys, my name is Loggy और आज हम फिर से एक brand new Roblox Tycoon के अंदर मौजूद हैं। और guys आज हम यहाँ पर खेलने जा रहे हैं Hospital Tycoon। और अगर guys आप अपनी जमीन की तरफ देखें तो मेरे पास सिर्फ literally सामने एक conveyor belt पड़ी हुई है, और अगर भाई आसपास देखें तो guys ये literally hospital की तरह लग ही नहीं रहा है। लेकिन hopefully guys end of the video तक ये एकदम से यहाँ पर एक खतरनाक 3-story hospital यहाँ पर बन जाएगा। हेलो डॉक्टर शुक्ला इनकमिंग, डॉक्टर शुक्ला इनकमिंग। भाई चपाती भाई कहाँ से बोल रहे हैं भाई? चपाती भाई आप यहाँ पर सुबह सुबह क्या कर रहे हो भाई? मेरे पास अपॉइंटमेंट है, मेरे पास डॉक्टर शुक्ला के अपॉइंटमेंट है भाई, मेरे गोड में पेट दर्द हो रहा है। यहाँ पर कोई भी भाई, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर शुक्ला नहीं है भाई। यहाँ पर अभी तक मैंने डॉक्टर बाय भी नहीं किया है भाई। यहाँ पर नकली दवाइयाँ बना रहा है भाई। दवाइयाँ नहीं है, ये मेरे पैसे है भाई, मेरे कन्वेयर बेल्ट है। लोग अस्पताल के अंदर पैसे छापने वाली मशीन रखी हुई है भाई। पहले मैं यहाँ पर पिस्तौल गिवर करता हूँ। ये कैसा डॉक्टर है भाई, मार रहा है पेशेंट को भाई। भाई ये हमारी साजिश है भाई, पहले हम मारेंगे फिर उसका इलाज करेंगे। भाई ये पैसे कमाने का कौन सा चीट तरीका है भाई? चीट तरीका नहीं है भाई, ये बड़ा भाई, ये 200 IQ प्लान है। ये तो ज्यादा भाई भाई मत कर, वीडियो का बाड़ा ठीक है तेरे को। अच्छा, 10 बार बोला वीडियो को, तो ज्यादा भाई भाई नहीं करते। सॉरी खेलना आता नहीं है। अच्छा, चला खेलने के लिए। हॉस्पिटल देखो कितना खतरनाक लग रहा है, उसने बाहर लेजर्स भी लगा के रखी है। आज मैं इस डॉक्टर शुक्ला का खून करके रखूंगा। अस्पताल के अंदर बुला के मारा। यहाँ पर कोई भी भाई, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर शुक्ला नहीं है भाई, आप क्यों बात नहीं मान रहे हो? बड़ी तेजी के साथ में आगे। मैं दूसरी चीज लेता हूँ भाई, मैं दूसरी चीज यहाँ पर लेता हूँ। ये क्या है? पोशन की वर्क। अच्छा ये लो भाई, मैं आपको दवाई देता हूँ, ये पोशन पी लो। अब तेरी भाई आप तो कुछ डायरेक्ट डाल, तेरी मैं मर गया। और अभी मुझे यहाँ पर खुद का इलाज करना पड़ेगा। ये कैसी आवाजें निकाल रहे भाई, हम यहाँ पर वॉर नहीं कर रहे। अभी मैं आपको मारूंगा। और तेरी मैं मर गया भाई, मैंने ये चीज बाई की और मैं मर गया। अब मैं बस कर दो भाई, बस कर दो। एक मिनट भाई, अभी मुझे फिर से ये अलमारी से पिस्तौल निकालनी पड़ेगी। भागो भागो भाई, भागो यहाँ से, भाग जाओ। चपाती भाई तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, लेकिन एक काम करते हैं उनको छोड़ते हैं। और गाइस अभी मुझे यहाँ पर बढ़ना है आगे। और एक काम करते हैं, अभी हम फिर से यहाँ पर शुरुआत करेंगे अपने हॉस्पिटल बनाने की प्रोसेस में। और गाइस एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे सारे ड्रॉपर्स, क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पर हर एक ड्रॉपर लेना है ताकि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए। और गाइस ये रही अपनी डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म, तो ये रहा अपनी फीमेल्स, और ये रही अपनी मेल्स की डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म। तो गाइस मैंने यहाँ पर अपने सारे अपग्रेड्स जो है वो तो मैंने ले लिए, जैसे कि अपने फेस मास्क और अपनी प्रोटेक्शन के लिए बंदूक। और एक काम करते हैं अभी हम बढ़ेंगे आगे। और गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे आउटसाइड वॉल्स, तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। और अभी गाइस मुझे ये वॉल्स को यहाँ पर कंप्लीट करना है, और फिर मुझे यहाँ पर लेना है एक छोटा सा रिसेप्शन। तो आप जैसे ही एंटर करोगे, पहले रिसेप्शनिस्ट आपका नाम चेक करेगी कि आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर कितने बजे है। और यहाँ पर गाइस हम अपना मैनेजर का डेस्क लगाएंगे, और ये अपना मैनेजर कुछ ज्यादा ही यहाँ पर टाइट खड़ा है भाई अपना मैनेजर तो। और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक कैफेटेरिया, तो ये गाइस मैं सबसे पहले ये सारी मैं यहाँ पर अपग्रेड कर देता हूँ। तो यहाँ से गाइस मैंने टेबल लगा दिए, और ये बंदा आते ही भाई इसने अपने लिए बर्गर ले लिया। और ये पीछे से पिस्तौल कौन मार रहा है? और चपाती भाई गन नीचे कर दो भाई। आपने देखा ना मेरा मैनेजर कैसे वहाँ पर टाइट खड़ा है भाई, वो आपको छोड़ेगा नहीं, दीवार के पीछे वो कैंपिंग कर रहा है। मैनेजर को मार रहा हूँ, तू छुप रहा है। पहले यहाँ पर दीवारें लगाता हूँ, फिर आप मुझे मार ही नहीं। मार दो भाई, वहाँ पर मैंने विंडो लगा दी भाई, वो बुलेट प्रूफ विंडोज है यार। आना ही नहीं है भाई, तेरी एक भाई कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेल रहे। मेरे पास पोशन है भाई, मैं पोशन पी रहा हूँ। आप पी लो। ओ भाई आपकी हेल्थ कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक और अभी मैं आपको फिर से मारता हूँ, और पट से हेडशॉट भाई, देखा। तो चपाती भाई तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, लेकिन एक काम करते हैं अभी उनको छोड़ते हैं। और गाइस अभी मुझे यहाँ पर लेना है अपना फर्स्ट क्लिनिक रूम। तो पहले हम यहाँ पर लगाएंगे ये टेबल, और उसके बाद मुझे यहाँ पर लगानी है अपनी डॉक्टर की इक्विपमेंट, और फिर हम यहाँ पर लगाएंगे बेड जहाँ पर अपना पेशेंट लेटेगा, और उसके साइड में हमने यहाँ पर लगाना ये टेबल। और इसी के साथ ही हमारा पहला कमरा तैयार हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर कोने के अंदर लगाएंगे टॉयलेट्स, और पहले मुझे यहाँ पर ये दीवारें लगानी है। और ये कैसा छोटा सा टॉयलेट है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं। तो ये वाला भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। नॉक नॉक। और ये कौन आ रहा है? मुझे लगता है हमारे भाई पेशेंट भाई के अंदर कोई आया। अरे अरे आइए आइए सर जी, आपका पेशेंट भाई आइए पहले अभी यहाँ पर रिसेप्शन के पास आइए, मुझे आपका नाम चेक करना है। नाम चेक करो, नाम चेक करो। आपका नाम क्या भाई? एक मुझे कंप्यूटर के अंदर चेक करना है। मेरा नाम अज्जू भाई है। अज्जू भाई, मैं अज्जू भाई, तलवार निकाल। वाह 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 भाई, अज्जू भाई मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं भाई। ये लो आ जाओ भाई, मैंने आपको पहले पिस्तौल से मारना भाई। ये लो अब यार, मैं मर गया भाई के पैसे मिल गए भाई। अज्जू भाई की भाई इतनी खतरनाक फ्री फायर की टेक्निक है कि मैं उनसे
मर गया यार। लेकिन ऑब्वियसली वो अज्जू भाई नहीं थे, मुझे पता है वो चपाती भाई मुझे यहाँ पर ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, चपाती भाई ना आए तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले ये दीवारें कंप्लीट करता हूँ, और अभी मुझे यहाँ पर लगाना है अपना ओनर्स डोर। और अभी हम गाइस यहाँ पर लगाएंगे एक छोटा सा वेटिंग एरिया, और हमारे पास 4.7 मिलियन डॉलर तो अभी तक बाकी है, तो मैं यहाँ पर भी एक वेटिंग एरिया लगा देता हूँ। और अगर इस तरफ जाए तो अभी मुझे यहाँ पर बनाना है रूम नंबर 2, और यहाँ पर ऑलरेडी एक पेशेंट बैठा हुआ है। उसके बाद मुझे यहाँ पर बनाना है रूम नंबर 3, और ये भी मैं यहाँ पर इक्विपमेंट ले लेता हूँ। और अभी गाइस अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये कौन सी चीज है, अरे मेरे पास नाइस सेकंड फ्लोर आ चुकी है। और अगर मैं बार की तरफ आऊँ तो मुझे लगता है मुझे बार भी थोड़ी बहुत चीजें लेनी है। तो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक इमरजेंसी का साइन, और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पर मुझे एक रोड बाय करना है, वो भी $10,000 का। तो मुझे लगता है यहाँ पर गाइस अपना छोटा सा एक गैरेज होगा जहाँ पर गाइस अपनी एम्बुलेंसेज खड़ी होंगी। तो पहले मैं यहाँ पर गैराज की बीम्स भी ले लेता हूँ, और उसके बाद मुझे ये पूरी वॉल्स अपग्रेड करनी है, और फिर मुझे यहाँ पर लगानी है विंडोज, और अभी मुझे इसका लेना है रूफ, और अभी फिर मुझे लेना है ये टेबल, और अभी गाइस मैंने ले लिया यहाँ पर एक एम्बुलेंस। और उसके बाद मुझे ये वाला रोड भी एक्सटेंड करना है ताकि अपनी एम्बुलेंस एकदम से सेफली यहाँ पर रोड को कनेक्ट करे। नेक्स्ट फ्लोर मैंने यहाँ पर अनलॉक कर दिया, और ये क्या है ऊपर, और नाइस ऊपर और पैसे के ड्रॉप्स पड़े हुए हैं, तो ये मैं पहले उठा लेता हूँ। और मुझे नहीं लेना है भाई 25 मिलियन कैश, मुझे यहाँ पर चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक काम करते हैं उनको छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट कन्वेयर आ चुका है, और यहाँ से गाइस हमें 25 मिलियन क्या 25 बिलियन मिल जाएंगे इस वाले से। तो वैसे ये वाला ड्रॉपर तो कुछ ज्यादा ही महंगा है, 670,000 एक ड्रॉपर का, लेकिन ले लेते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर देखे तो कितने मोटे मोटे डिजिट यहाँ पर निकल रहे हैं। पहले हम यहाँ पर भाई 1.3 मिलियन की SMG भाई, लेकिन हम SMG नहीं लेंगे, हम यहाँ पर पहले लेंगे ये बैंडेज एक्सेसरीज, और गाइस उसके साथ में आ चुकी है अपनी व्हील चेयर, और उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे एक्सेसरी रिमूवर, और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक्सरे रूम की वॉल्स। तो गाइस यहाँ पर गाइस अपना एक्सरे होगा, तो अगर गाइस आपको हाथ में प्रॉब्लम है लेकिन आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आपके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, तो गाइस आप यहाँ पर एक्सरे रूम के अंदर आ सकते हैं, और डॉक्टर्स आपको एकदम से आराम से यहाँ पर चेक कर लेंगे। और नेक्स्ट चीज हमारी आती है ऑपरेशन रूम्स, तो पहले गाइस हमें यहाँ पर बनानी है ये ऑपरेशन के रूम्स। और भाई ये कैसा माफिया है भाई, ये कैसे डॉक्टर हमने यहाँ पर हायर करके रखे हैं। तो ये बंदा बोल रहा है कि 150 पैसे मुझे दो, और ये अपनी खतरनाक पावर्स मारेगा, और बंदा उसी समय ठीक हो जाएगा। लेकिन हम ये इतने पैसे नहीं देंगे, हम इसके लिए काम करते हैं यहाँ पर इक्विपमेंट लगा लेते हैं, और तू यही इक्विपमेंट यूज करियो ठीक है। और ये कैसा खुला ऑपरेशन रूम है ये भाई मुझे कंप्लीट कहां से करना है भाई, ये मुझे कंप्लीट कहां से करना है। ये कह रहा है बाहर से हवा भी आनी चाहिए, फ्रेश हवा भाई, फ्रेश एयर आनी चाहिए बाहर से। और मेरे पैसे ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन टेंशन की कोई भी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 मिलियन आ चुके हैं। पहले ये कैफेटेरिया के एरिया भी गाइस मैं यहाँ पर जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ट्रैश कैंस भी लगा दिए, और अगर मैं वेटिंग रूम के पास आऊँ तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 पेशेंट्स आ चुके हैं और अपनी अपॉइंटमेंट की वेट कर रहे हैं। और एक काम करते गाइस मैं जल्दी से ये पूरा अपग्रेड करके फिर से आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये रहा अपना सेकंड फ्लोर जो मैंने भाई एकदम से कंप्लीट किया ही नहीं, क्योंकि गाइस मेरे पैसे यहाँ पर खत्म हो गए थे। और अगर यहाँ पे आए तो ये ऑपरेशन रूम भी मैं यहाँ पर भूल ही गया। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे अपनी लाइट्स, और यहाँ पर हम लेंगे एक और अपग्रेडर। और अगर गाइस मैं तीसरी फ्लोर की तरफ जाके देखूं तो यहाँ पर लिटरली कुछ भी नहीं है। और अगर मैं प्राइसेस की तरफ देखूं तो भाई 2 मिलियन भाई 3.1 मिलियन, लेकिन गाइस आई थिंक अभी हमारे पास इनफ पैसे आ चुके हैं। अरे ये क्या है ये भाई, ये ऊपर से सप्लाई ड्रॉप कर रहे हैं, अरे थैंक यू, मुझे लगता है मेरी हेल्प यहाँ पर हो रही है। और नाइस मुझे 500K डॉलर्स मिले भाई, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। और इसी के साथ ही अपना पूरा गाइस यहाँ पर हॉस्पिटल एकदम से कंप्लीट हो चुका है। तो ये रही गाइस अपनी बॉटम फ्लोर जहाँ पर गाइस मैंने ऑब्वियसली लेजर लगा के रखी है। और अगर गाइस आप अंदर बढ़ोगे तो गाइस लेफ्ट साइड पे पड़े अपने कन्वेयर, जो की गाइस वो एकदम से मेरा रूम है, अंदर कोई अलाउड ही नहीं है। और उसके बिल्कुल बाहर पड़े अपने वेटिंग रूम, तो गाइस यहाँ पर गाइस आप वेटिंग रूम में बैठ सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए। और बिल्कुल उसके सामने बनी हुई है अपनी कैफे रूम, और ये बंदा अभी तक बर्गर के साथ बैठा हुआ है। और अगर इस तरफ आए तो गाइस ये रहे अपने क्लिनिक नंबर 1, क्लिनिक नंबर 2 और क्लिनिक नंबर 3। तो गाइस ये रहे अपने छोटे से पहले 3 रूम्स, और अभी हम चलेंगे नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर। और गाइस नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर अपने फिर से यहाँ पर छोटे से वेटिंग रूम बने हुए हैं, और ना यहाँ पर 61 मिलियन भी आ चुके हैं, ये मैं ले लेता हूँ। और अगर मैं ये वाला दरवाजा खोलूं तो यहाँ पर पड़े अपने और कन्वेयर बेल्ट, और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये रहा गाइस अपना खतरनाक माफिया वाला बंदा। तो और नाइस इसने एक्चुअली यहाँ पर अभी छत भी लगा के रखी है, नाइस। और अगर तीसरी फ्लोर के ऊपर जाके देखें तो गाइस लेफ्ट साइड पे आता है अपना छोटा सा एक बार फिर से एक छोटा सा वेटिंग रूम। और अगर यहाँ पे आए तो गाइस यहाँ पर अपना सारा लाइक स्टोरेज रूम बना हुआ है, तो अपना सारा इक्विपमेंट यहीं पड़ी पड़ा है। और ये रहा गाइस अपना हाई सिक्योरिटी रूम, तो अगर गाइस मैं अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पे डालूं तो ये रहा गाइस अपना छोटा सा एक सिक्योरिटी रूम बना हुआ है। और ये चोर कहां से घुस आया, और बाहर निकल, तुझे किसने परमिशन दी अंदर आने की। और अगर फाइनल फ्लोर के ऊपर जाकर देखें तो गाइस ये रहा अपना फाइनल फ्लोर, और ये ऑनेस्टली मैं क्या बताऊं भाई, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन एक काम करते हैं, अभी मेरे पास 170 मिलियन तो आ चुके, तो यहाँ पर मैं पहले हेलीपैड ले लेता हूँ। तो हमारा हॉस्पिटल यहाँ पर इस पूरी सिटी के अंदर फुल ऑन मैक्स आउट हो चुका है। और गाइस ये रही मेरी छोटी सी एम्बुलेंस, और मैं एक्चुअली इसको चला भी सकता हूँ। और अगर मैं इसके सायरन ऑन करूँ तो ये बाहर से ऑब्वियसली इसके सायरन भी ऑन हो जाएंगे। तो चलिए गाइस आई थिंक अभी इस वीडियो में इतना ही काफी, तो होप यू एंजॉय। तो मेक
sure to leave a like and subscribe. और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन टेक एवरीबॉडी एंड बाय बाय.